हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ सेटाफिल ऑयली स्किन क्लींजर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना 1 ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरे स्किन कैसा था और कैसा हुआ है, ये क्लींजर कैसे वर्क करता है और किस तरह से यूज करना है, मैं सब इस वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज फुल वॉच करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पास ये 2 बॉटल्स हैं क्लींजर की। अब सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं, तो ये नॉर्मल बॉटल है प्लास्टिक की और इसके ऊपर आपको कैप लगा हुआ मिल जाएगा। इसमें पंप नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर ये सेटाफिल ऑयली स्किन क्लींजर लिखा हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है कि ये कॉम्बिनेशन टू ऑयली एंड सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है। ये डीपली क्लीन करता है स्किन को, ये पोर्स मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, ये स्किन के नेचुरल मॉइस्चर को स्ट्रिप नहीं करता है। इसमें एसेंशियल विटामिन B3 है एंड प्रो विटामिन B5 है। इसमें क्वांटिटी आपको इसकी 125 ml मिलती है। इसका प्राइस अभी 490 rupees है, बट मैंने इसको ऑफर में लिया था तो ये 300 something कुछ का पड़ा था मुझे। अब इसके बैक पर दिया हुआ है कि आपको इसको किस तरह से यूज करना है एंड यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन किए गए हैं। एक्वा ग्लिसरीन एंड नाइसिनामाइड भी इसमें है, सिट्रिक एसिड और भी बहुत सारे इसमें दिए गए हैं और यहाँ पर इसका प्राइस मेंशन किया गया है। इसमें 545 rupees है, बट ये आपको ऑफर में बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। अब मैं इसको आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ। इसके टेक्सचर की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट जेल फॉर्म में है। ये ऑयली स्किन वालों के लिए है, इसका ड्राई स्किन के लिए भी आता है। ये pH बैलेंस्ड है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, ये रिमूव करता है डेड सेल्स को, डर्ट को एंड मेकअप को। ये हुआ क्लींजर का, मैंने आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये क्लींजर जो है इसको मैंने कुछ मंथ्स पहले लिया था और मैंने इसको यूज किया, इसका वर्क ये बहुत अच्छा वर्क करता था। इसको जब मैंने यूज किया था तो मेरे पिंपल्स बहुत कम हो गए थे और एक्ने मार्क्स जो थे वो भी रिड्यूस हो गए थे। मेरी स्किन क्लियर हो गई थी क्योंकि एक्ने मार्क्स इसमें नाइसिनामाइड दिया हुआ है तो उससे काफी कम हो गए थे। फिर जब ये वाला फिनिश हो गया तो मैंने ऐसे ही रैंडम कोई सा भी यूज़ करने लगी थी। फिर मेरे चिकन पॉक्स हो गया था, आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पूरे फेस पर हो गया था। चिकन पॉक्स के दाग इतनी जल्दी नहीं जाते हैं तो मैंने रिपर्चेस किया ये वाला क्लींजर। फिर जब ये थोड़े थोड़े ड्राई होने लगे उसके बाद मैंने इसको यूज करना वापस से स्टार्ट कर दिया। मैंने आज तक जितने भी फेस वॉश ट्राई किए हैं उन सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है और मैं कोई भी जल्दी फेस वॉश नहीं यूज करती हूँ क्योंकि मेरे पिंपल्स हो जाते हैं। ये अभी देखिए आप लोग ड्राई हो गए और इसमें आप देख सकते हैं अभी भी इसके दाग है, पर लास्ट में आप देखेंगे तो ये काफी लाइट हो गए हैं इस क्लींजर को यूज करके। और ये अभी का है, आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन अब उतने दाग नहीं है, काफी लाइट हो चुके हैं। वैसे तो ये थोड़ा बहुत कॉस्टली है बट ये बहुत अच्छा वर्क करता है और इसकी एक बॉटल आपके 5 months तो आराम से चल जाती है। इसकी फर्स्ट बॉटल मैंने 410 rupees की ली थी, बट सेकेंड वाली जो मैंने परचेस किया था वो ऑफर में मुझे 283 rupees का ओनली मिला था। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को ये क्लींजर किस तरह से यूज करना है। इसको मैं 2 times यूज करती हूँ, 1 morning time एंड 2 night time। फिर इसको पी साइज अमाउंट में आपको लेना है। इसको आपको इतना ही लेना है क्योंकि इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी लेदर वगैरह नहीं होता है। फिर इसको अपने वेट फेस पर डॉट डॉट करके अप्लाई कर लेना है और सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। फिर अपने पूरे फेस पर अच्छे से मसाज कर लेना है। इसी तरह आपको मॉर्निंग टाइम एंड नाइट टाइम 2 times यूज करना है। अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, कोई भी फेस वॉश जल्दी सूट नहीं होता है, तो आप लोग प्लीज ये वाला ट्राई करें, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और ये मैंने फेस वॉश कर लिया है। इसको यूज करने से पहले आप पैच टेस्ट जरूर कर लें। ये क्लींजर बहुत टाइम पहले का है, ये कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं है, बट मुझे ये पसंद आया था तो मैंने सोचा क्यों ना इसका रिव्यू आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। ये क्लींजर के साथ साथ मैंने और भी कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज किए हैं लाइक सीरम वगैरह, इसलिए मेरे चिकन पॉक्स के दाग इतनी जल्दी चले गए, बट अभी भी थोड़े थोड़े हैं। आप लोगों को इस प्रोडक्ट के रिलेटेड अगर कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।